जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक सालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है, भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर दरवाजे पर अगर तीन सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन तीन है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर तीन का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है, जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो, चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला जम के बोलो गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन है। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करेगा? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में, भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मेनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मेनावती ने कहा, तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो भर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है।